और ब्रांड स्टिल यू नो प्लानिंग द बजट एंड एवरी थिंग नॉट रियली द बजट बट आगे कैसे को थ्रू करना है बिकॉज छोड़ने वाले तो नहीं है बहुत लोग लेकिन अब आगे और ज्यादा सेंसिबल मैनर में कैसे करना है लेकिन इन सब चीजों से एक बात गारंटी हो जाती है कि प्लेयर्स की सैलरी तो कम होने वाली है ई स्पोर्ट्स इज नॉट गोइंग टू बी द सेम जहां ढाई ढाई तीन तीन लाख रुपए की सैलरी होती थी वहां पे यू गाइस हैव नो फकिंग क्लू कि भाई बड़े से बड़े लाइनअप जहां पे एक एक प्लेयर की सैलरी तीन तीन लाख रुपए थी वो प्लेयर की पूरी टीम वो लाइनअप ही पूरी की पूरी तीन से चार लाख में आ रही है अभी रियलिटी एंड आई एम नॉट श्योर की कोई आपको बताएगा नहीं बताएगा कनेक्ट प्लेयर्स ऑग्स के रिगार्डिंग आई कनेक्ट ऑग्स एंड राइट नाउ द सैलरी है सैलरी को लोवर किया गया है कहीं यहाँ पे कहीं कहीं पर फिफ्टी परसेंट भी लोवर किया गया भाई, शोगन या दोनों होंगे भाई, फोर में. दोनों होंगे गॉब्लिन अच्छा हाँ शोगन ओके ओके आई थिंक विल सिट आउट मतलब ज नहीं, शोगन, शोगन कि, uh, नहीं, नहीं किया तो आई डाउट्स ट्राई मुझे लगता है कि यार, uh, को अगर लिया है तो भाई सोच समझ के लिए होगा अरे तो ऑनस्टली बता रहा हूँ ओमेगा इज इन कॉन्टेक्ट विद मल्टीपल ऑग्स एट द मोमेंट बट देर इज

जो था वो वैसा का वैसा ही है कि इंडिया में ही स्लॉट है वही सोलह सत्रह टीमें हैं वही पांच सात ऑर्ग्स हैं और उन्हीं में आपस में चपल छपल हो जा रहे हैं तो कब तक ही ऐसा चलता रहेगा सो वी नीडेड समथिंग डिफरेंट बहुत ज्यादा हो गया था दिस इज अ गुड थिंग कि लाइक मतलब आई आईपीएल टीम्स आर एंटरिंग आई होप सो कि अब ये चीजें और ज्यादा हो और भी बेटर ब्रांड्स भी आए और भी चीजें अच्छी हो सो इवेंट बढ़ेगा बिकॉज टू व्यूअरशिप बढ़िया है, Because, frank, बड़ी है sure. But, बाकी तो डिक्लाइन है

लोगों को एंटरटेन करो या फिर तुम e खेलो और ट्रॉफी जीतो मेहनत करके ये दो है तुम्हारे पास सो so, मैं आजकल देख रहा हूं कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लोग आंसर करना चाहते हैं एक दूसरे को एक दूसरे की बात से ट्रिगर हो जाते हैं एक दूसरे की बात को इतना ज्यादा वो करते हैं माँ ये बात मोटल भाई के अलावा और बोल भी नहीं सकता मोटल भाई जिसको मैंने सामने से किसी कॉन्ट्रोवर्सी में लड़ते नहीं देखा भाई

बाकी बहुत ज्यादा ब्रो हां मतलब लड़ाई बहुत ज्यादा करेंगे और जो काम है वो कम कर दिया है कि भाई काम पे फोकस करो अपने सिर्फ और कुछ नहीं करो सिर्फ अपने काम पे फोकस करो क्योंकि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है यार ऑडियंस तुम्हारा क्या चाहती है ऑडियंस चाहती है कि तुम एंटरटेन करो ना कि झगड़ा करो और वो सब चीज़ें करो देखो एक सेट ऑफ कम्युनिटी है जो यही देखना चाहती है कि क्या झगड़ा चल रहा है क्या मसाला है ठीक है वही देखना चाहती है एक सेट ऑफ ऑडियंस है जो इसी चीज पे फोकस करती है वैसे facts. बात तो सही है बहुत सारी और...